यह विधानसभा जब से चली, इस विधानसभा में लोग जिस तरह से राम के आदर्शों के बहाने आरएसएस के एजेंडे को लागू कराना चाहते हैं, जो विधानसभा गांव गरीब किसान नौजवान के सम्मान के लिए बनाई गई, जहां पर नौजवानों के सम्मान की चर्चा होनी चाहिए, बड़ी चालाकी से कुछ चंद्र सरकार के लोग आरएसएस के एजेंडे को जिस तरह से लागू कराना चाहते हैं, बहुत ही दुखद है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, सत्ता पक्ष में बैठे कुछ हमारे सबरी परिवार के लोग भी हैं, जिन्हें याद दिलाना चाहता हूं, किसी देश के अंदर बाला साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों को शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया गया और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। ये वही देश है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मेहनत करके सबरी की संतानों को सम्मान दिलाने का प्रयास किया था। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जिस राम राज्य की बात कही जाती है, कबीरदास का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके पलागू पाए, अब बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। लेकिन इस सरकार ने ओपीएस ओल्ड पेंशन को आज तक स्वीकार नहीं किया, जिस गुरुओं को के माध्यम से हमें ज्ञान हासिल होता है, वो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार को उसका ध्यान नहीं आया। हम जब शिक्षा मित्रों का सवाल उठाते हैं तो सरकार कहती है कि इसे माननीय न्यायालय का आदेश है। मैं सवाल करना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सरकार का, कि न्यायालय ने कभी मानदेय बढ़ाने से इनको नहीं रोका है? अगर ये चाहे तो इस बजट में इंतजाम कर सकते हैं शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने का, लेकिन उस पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया। ये जाति जनगणना पर विचार क्यों नहीं देना चाहते? चूंकि इनको पता है कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन जातियों को लड़ाकर इनको वोट लेने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अगर आप चाहते हो समतामूलक समाज बने, आप चाहते हो कि संविधान को लागू करने वाला प्रदेश बने, आप चाहते हो कि इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, तो आपको जाति जनगणना करा करके संख्या के आधार पर सभी समाज का हिस्सा उनको बराबर दे देना चाहिए। वही असली रामराज और असली समाजवाद है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत लंबी लंबी बात ये लोग करते हैं और ऐसी बातें करते हैं, जबकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आरएसएस का एजेंडा है कि देश गरीब हो, गांव गरीब हो, गांव अशिक्षित हो। चूंकि इनको पता है कि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति को गुलाम बनाना सरल है, और जिस दिशा में ये आपका बजट ये बताता है, ये बजट बताता है कि आज ये देश को प्रदेश को गरीबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये अशिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसका सीधा साधा उदाहरण है, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख ले, आप किस किसानों के क्षेत्र में देख ले, इन्होंने कोई बजट का इंतजाम नहीं किया। आज तीसरा बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, दो बजटों को हमने देखा है, दोनों बजटों में ये ऊर्जा के क्षेत्र में कहते हैं, आज तक गांव के अंदर किसी भी विधानसभा का कोई साथी नहीं बता सकता कि उनके यहां ट्रांसफार्मर की कोई क्षमता वृद्धि हुई हो। आज तक गांव के अंदर एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आज तक ये बात सबके विकास हो सकता है कि आपको अलग से बजट मिलता हो, लेकिन हम सभी जितने भी पक्ष के साथी हैं, अगर आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो हमारे भी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अगर आप इस बात की बात चर्चा करते हो, मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। ये 2025 के कुंभ की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2012 का कुंभ आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में हमारे नेता की सरकार में हुआ था। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो काम उन्होंने जिला जनपद के अंदर कराया, इस सरकार ने कर कुंभ के नाम पर
बजट का बंदरबाट किया, आज तक कोई काम कराने का काम प्रयागराज में नहीं किया। मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जब हम विधानसभा के अंदर खड़े होते थे, घटना याद आती है, जब जब 27% रिजर्वेशन की बात होती है, जब जब मंडल की बात होती है, तब तब इनकी तरफ से कमंडल की बात शुरू कर दी जाती है, क्योंकि इनको मंडल को दबाने का प्रयास किया जाता है। याद करते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि नेताजी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 27% आरक्षण नौकरियों में नहीं दिया, बल्कि शिक्षा संस्थानों में लागू करके गांव के अंदर नौजवानों के अंदर शिक्षा में ताकत लाने का काम किया था। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विकास की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। क्षेत्र का विकास नोट करा दीजिए माननीय संदीप जी। मैं अपने क्षेत्र में माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश के PWD मंत्री और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने परानीपुर से जब जब चुनाव आता है तब तक गंगा पर एक पुल बनाने की घोषणा करते हैं, शिलान्यास करते हैं, और चुनाव बीत जाता है तो हमारे क्षेत्र के लोग उस पुल को ढूंढते हैं, वो पुल आज तक दिखाई नहीं पड़ा। मैं मांग करता हूँ कि उस पुल को हमारे क्षेत्र में परानीपुर से जो बनारस रोड को जोड़ने का काम करता है, उस पुल को बनाने का कष्ट करे। एक सड़क हमारे यहाँ करसना विधानसभा के साथी विधायक बैठे हैं, जो उनके क्षेत्र से निकलकर मेरे क्षेत्र से होती हुई विंध्याचल को जाती है, मैं उसको स्टेट हाईवे बनाने की मांग करता हूँ। इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र के अंदर तमाम धार्मिक स्थल हैं, मैं आपसे मांग करता हूँ कि उनको धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल में चयनित करके उनका विकास करने का काम करे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो RSS की मंशा है देश को गरीब बनाने की, RSS को मंशा है आरक्षण को खत्म करने की, जिसका जीवता जागता उदाहरण धन्यवाद 700 शिक्षक हैं। धन्यवाद माननीय संदीप पटेल जी, श्री अभय सिंह जी, माननीय सदस्य अभय सिंह जी, धन्यवाद माननीय संदीप पटेल जी, से संबद्ध करता हूँ।